Hello, my name is Gaurav and I read in 9th class. Hello, my name is Vikas and I study in 7th class. We are the student of Government High School, Dudu Mazra. हमारा जो मॉडल है वो हेल्थ इन पर बेस्ड है और हमारे प्रोजेक्ट का नाम है ऑटोमेटिक ग्लूकोज डिस्पेंसर अलार्म। आपने भी देखा होगा कि जब डॉक्टर्स ग्लूकोज की बॉटल किसी पेशेंट को लगाते हैं तो बार बार चेक करते हैं कि कहीं उस बॉटल में ग्लूकोज की मात्रा कम तो नहीं हो गई, क्योंकि वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ग्लूकोज की बॉटल खत्म होने के बावजूद भी अगर पेशेंट को लगी रह जाए तो उससे पेशेंट की नसों में इन्फेक्शन हो सकता है या वो सूख सकती है, और कभी कभी इससे जो ग्लूकोज की बॉटल होती है वो जाम हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्लूकोज की बॉटल में ग्लूकोज खत्म होने के साथ साथ ग्लूकोज की बॉटल का प्रेशर भी खत्म होता रहता है, कम होता जाता है, पर जो पेशेंट होता है उसकी बॉडी में अभी भी ब्लड प्रेशर होता है और उसी ब्लड प्रेशर की वजह से जो ग्लूकोज चढ़ा देता है ये ग्लूकोज की बॉटल की तरफ उसका पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज की बॉटल की तरफ चढ़ना शुरू कर देता है, जिस वजह से बॉटल जाम हो जाती है और डॉक्टर्स को नई बॉटल्स का यूज करना पड़ता है ग्लूकोज चढ़ाने के लिए। जब वो ग्लूकोज की नई बॉटल्स का यूज करते हैं तो वो उस बॉटल को पेशेंट की किसी और नस पे यूज करते हैं क्योंकि पेशेंट की वो नस इन्फेक्टेड हो चुकी होती है, और कभी कभी जिन पेशेंट को रूटीन में ग्लूकोज चढ़ता है उनको उनकी ज्यादा नस इन्फेक्टेड हो जाने के कारण डॉक्टर्स को उनकी किसी और नस पे ग्लूकोज चढ़ाना पड़ता है, और कभी कभी उनकी ग्लूकोज चढ़ाने के लिए डॉक्टर्स को उनकी पैरों की नसों तक का यूज करना पड़ता है। तो इससे क्या होता है कि डॉक्टर्स के रिसोर्स की बर्बादी होती है, डॉक्टर्स का टाइम वेस्ट होता है और पेशेंट को भी तकलीफ होती है। तो इन सभी प्रॉब्लम की सोल्यूशन के लिए हमने बनाया है ऑटोमेटिक ग्लूकोज डिस्पेंसर अलार्म, जिसकी वर्किंग के बारे में आपको मेरा फ्रेंड बताएगा। इसमें हमने 3 स्प्रिंग बेल्स लगाई है, इसमें हमने 2 वायर्स निकाल रखी है, जिस एक वायर को हमने नेल के साथ अटैच करा है, दूसरी वायर को हमने एक स्प्रिंग के साथ अटैच करा है। जब इसमें ग्लूकोज हैंग किया जाता है तो उसके वेट के कारण स्प्रिंग खिंच जाती है, और जब उसमें ग्लूकोज की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है तो ये स्प्रिंग अपनी जगह पर लौटने की कोशिश करती है, और जब इसमें ग्लूकोज खत्म हो जाता है तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है, RF मॉड्यूल तक सिग्नल चल जाता है कि जो जैसे कि ये बेड नंबर 2 है तो वहां तक सिग्नल चल जाता है कि जो बेड नंबर 2 है उसका सर्किट कंप्लीट हो चुका है, यानी कि जो उसकी ग्लूकोज की मात्रा है वो खत्म हो चुकी है, और ये RF मॉड्यूल डाटा ट्रांसमिट कर देता है कि बेड नंबर 2 का जो ग्लूकोज है वो खत्म हो चुका है, तो वो इस रिसीवर तक आ जाता है जो डिस्प्ले कर देता है कि कौन से बेड नंबर का जो ग्लूकोज है वो खत्म हो चुका है। और इसमें हमने एक बजर लगाया जो बीप साउंड करता है, जब नर्स डिस्प्ले की तरफ ध्यान नहीं देगी तो वो उसकी बीप साउंड सुनकर सक्रिय हो जाएगी और डिस्प्ले की तरफ ध्यान देगी, और जब नर्स रूम से बाहर होगी तो वो उसकी बीप साउंड से अंदर आ जाएगी और ग्लूकोज की बोतल को रिप्लेस कर देगी, जिससे पेशेंट को राहत मिलेगी और नर्स का बहुत ज्यादा टाइम बचेगा। आपने देखा कि इसके कई बेनिफिट्स हैं, जो एक प्रोजेक्ट है उससे पेशेंट की नसें इन्फेक्टेड नहीं होंगी, डॉक्टर्स का टाइम बचेगा और उनकी रिसोर्स की बर्बादी नहीं होगी। और पिछली बार जब हम टॉपिक नंबर सेलेक्ट हुए थे और हमने मॉडल बनाया था उसमें हमने क्या किया था कि हमने ग्लूकोज अलार्म के साथ एक बजर लगाया था, जिस वजह से क्या हो सकता था कि जो बाकी पेशेंट थे उनको तकलीफ हो सकती थी और डिस्टर्ब हो सकते थे। इसलिए इस बार हमने इस प्रोजेक्ट को वायरलेस बनाया है और जो बजर लगाया है वो नर्स रूम में लगाया है, जिस वजह से जो बाकी पेशेंट है वो डिस्टर्ब ना हो, और हमने इस बार इसे वायरलेस बनाया है जिससे वायरस का जनरेट ना हो, और हमने हर एक ग्लूकोज अलार्म के लिए सिर्फ एक बजर का यूज किया है क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हम ज्यादा बजर हो, क्योंकि ज्यादा जो बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे 40-50 वार्ड होते हैं और हर वार्ड में लगभग 10 रूम होते हैं, तो उससे क्या हो सकता था कि वहाँ की नर्स होती थी वो कन्फ्यूज हो सकती थी कौन सा बजर कौन से रूम का है। इसलिए हमने एक ही बजर लगाया है और उसके साथ एक LCD स्क्रीन लगाई है जिसमें डिस्प्ले हो जाएगी कौन से बेड का ग्लूकोज खत्म होने वाला है। तो इसमें हम आगे जाके इसको हम इंटरनेट से कनेक्ट करना चाहते हैं, जिससे इंटरनेट में ये सारा डाटा आ जाए और डॉक्टर इंटरनेट से भी देख सके कि कौन से बेड का ग्लूकोज खत्म होने वाला है। ये तो हमारी बात हुई ऑटोमेटिक ग्लूकोज डिस्पेंसर अलार्म की। इसके साथ हमने इसमें एक और प्रोजेक्ट ऐड किया जिस पे हम अभी वर्क कर रहे हैं, जिसका नाम है ऑटोमेटिक ब्लड ग्रुप टेस्टिंग मशीन। आपने देखा होगा कि जो लोग होते हैं वो जब अपना ब्लड ग्रुप टेस्ट कराने जाते हैं तो लेबोरेटरीज में जाते हैं, और जब वो लेबोरेटरीज में जाते हैं तो उससे क्या होता है कि उनके टाइम की वेस्टेज होती है, और जो लेबोरेटरीज में उनकी रिपोर्ट बनती है वो बहुत कॉस्टली होती है, और क्या होता है कि लेबोरेटरीज में 1-2 दिन बाद उस ब्लड ग्रुप की रिपोर्ट देते हैं जिसका टाइम भी बहुत वेस्ट होता है। तो इन सभी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए हमने एक ऑटोमेटिक ब्लड ग्रुप टेस्टिंग मशीन बनाई है।
आइए इसकी वर्किंग देखते हैं। ये वर्क कैसे करती है। इसकी स्टार्टिंग होती है एक पुली से जो रोबोटिक आर्म पर एक स्लाइड डालती है। ये स्लाइड आके आके पेशेंट के पास आती है और यहाँ से उसे एक बॉक्स मिलता है जिसमें होती है कुछ नीडल्स और कॉलिक स्वैब और एक टूथपिक। उसे क्या करेगा, नीडल से छेद करके यहाँ पे तीन डिप जाएगा ब्लड की और ऊपर से उसमें एंटीजन गिरेगा। टूथपिक से वो उसे मिक्स करेगा और यहाँ पे हमें चार्ट लगाएंगे जिससे क्या होगा कि वो अपना ब्लड ग्रुप देख पाएगा क्योंकि एंटीजन ब्लड के साथ रिएक्ट करेंगे और वो इसे रिएक्ट करके एक ब्लड ग्रुप की वो उसे पहचान हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, रोबोटिक आर्म मूव करेगा और डस्टबिन में स्लाइड को फेंक देगा। और उसके बाद क्या होगा कि रोबोटिक आर्म फिर से मूव करके पुली के पास चल जाएगा और अगर कोई और व्यक्ति आएगा तो इसको स्टार्ट करेगा और ये फिर से यूज के लिए रेडी हो जाएगा। इसमें हमें एक स्कैनर लगाने वाली है। स्कैनर क्या करेगा कि जब ब्लड में रिएक्शन हो जाएगा तो स्कैनर उसकी फोटो खींच के हमारे प्रिंटर को कमांड दे देगा और एक उसे एक रिपोर्ट प्रिंट हो जाएगी जिससे उसको तभी के तभी रिपोर्ट मिल जाएगी। इसको हम एज ए वेंडिंग मशीन प्लान कर सकते हैं हॉस्पिटल्स में या पब्लिक प्लेसेस में जिससे बहुत कम पैसों में जो व्यक्ति होगा वो अपनी खुद की ब्लड ग्रुप की जांच कर सकेगा और वो श्योर भी होगा क्योंकि उसने खुद अपना ब्लड ग्रुप टेस्ट किया होगा। हम इन दोनों प्रोजेक्ट्स पर और काम करना चाहते हैं और इन्हें कई हॉस्पिटल्स में प्लान करना चाहते हैं जैसे पीजीआई चंडीगढ़ में। इसलिए हम चाहते हैं कि हम पीजीआई चंडीगढ़ के साथ मिलकर इसमें और रिसर्च करें और इसको और भी बेहतर बनाएं, मॉडिफाई करें। थैंक यू।